उन्हीं पुराने साथियों में एक डीपी यादव के निशाने पर अखिलेश हैं। संभल में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन सम्मेलन में बाहुबली पूर्व सांसद डीपी यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। यहां डीपी यादव ने भरी जनसभा में कहा, हम तो फकीर हैं, अपना गुजारा कैसे भी कर लेंगे, लेकिन जिस इंसान ने समाजवादी पार्टी को बनाया आज उसको ही दरकिनार कर दिया गया। अगर शिवपाल यादव को विधानसभा चुनाव में 15 सीट दी गई होती तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती। डीपी यादव ने पहले भूत में अखिलेश से क्या कहा उसका जिक्र किया। अगर अखिलेश भूतकाल में वैसा फैसला ना लेते वो भी बता दिया। बताते बताते डीपी यादव भूतकाल से वर्तमान में लौटे और भविष्य में अखिलेश की राजनीति के साथ क्या होने वाला है उस पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। कहा, अगले 20 साल भी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं बनेगी। मेरी इस बात को कोई माने या ना माने पर सच तो यही है, राजनीति का इतना अंदाजा मुझे भी है। डीपी यादव डंके की चोट पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगले 20 साल तक यूपी में सपा की सरकार नहीं बनेगी। वैसे बता दें, अरसे बाद राजनीति दुनिया में एक्टिव हुए डीपी यादव ने संभल लोकसभा से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। संभल फिलहाल सपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ से सपा के शफीकुर रहमान बर्क सांसद है। संभल जिला शुरू से ही मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, इसके बाद यहाँ यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिलहाल संभल में सपा का झंडा उठाए शफीकुर रहमान बर्क 5 बार के सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में भाजपा की आंधी में भी संभल की 4 में से 3 विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा है। अब ऐसे में शिवपाल यादव के लिए अकेले संभल को पार पाना टेढ़ी खीर साबित होगी। यही वजह है कि उन्होंने संभल की राजनीति में खासा दखल रखने वाले डीपी यादव को अपने साथ लिया है। ये भी जान लीजिए, डीपी यादव वही हैं जिन्हें सपा प्रमुख मुलायम ने पार्टी के टिकट पर बुलंदशहर से 1993 के विधानसभा चुनाव में लड़ाया था। इसके बाद डीपी यादव ने 1996 में बसपा के टिकट पर